ड्रामा की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड शिरागी रीसा को देखते हैं, जो कि 20 इयर्स की शर्मीली सी लड़की है और कंट्री साइड से टोक्यो आई है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। रीसा बहुत प्रिटी है और इनोसेंट लड़की है। उसकी यही अदा काफी मेल्स को अट्रैक्ट करती है, पर रीसा को नहीं पता कि वो कैसे एग्रेसिव मेल्स को डील करे, क्योंकि उसे लव रिलेशनशिप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। होगा भी कैसे, सीधी सादी लड़की जो है कंट्री साइड की। एक दिन रीसा कॉफी शॉप पर जाती है, वो वनीला ड्रिंक ऑर्डर करती है और उसके मजे लेने ही वाली होती है, पर तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठता है और रीसा को अपने साथ बाहर घूमने चलने को कहता है। रीसा उसे मना कर देती है, पर वो लड़का रीसा के मना करने से बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और रीसा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। थैंक गुडनेस वहाँ एक और आदमी आ जाता है रीसा को बचाने के लिए। वो आदमी फुकामी हिरोतो है, जो कि एक बिजनेसमैन है और ड्रामा का मेल लीड। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो रीसा का बॉयफ्रेंड है और उसे आने में देर हो गई, जिस वजह से रीसा को इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद हिरोतो रीसा को अपने साथ ले जाता है और वो लड़का देखता ही रह जाता है। फिर कॉफी शॉप से कुछ मीटर्स दूर आकर वो रीसा को जाने देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो सेफ है। वेल, रीसा ने अभी तक हिरोतो को अच्छे से नहीं देखा। जब वो उसे देखती है तो उसके कॉन्फिडेंस और गुड लुक्स की वजह से अट्रैक्ट होती है। हिरोतो वहाँ से जाने लगता है। रीसा वहीं खड़ी होकर उसे घूरने लगती है और सोचती है, इतना अच्छा आदमी मेरी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन तभी अगेन हिरोतो मुड़कर रीसा को देखता है और उससे पूछता है, क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर जाना चाहती हो। रीसा ये सुनकर हैरान होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक हाई क्लास वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाते हैं। रीसा अपनी गॉर्जियस डेट को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है, पर वो थोड़ी नर्वस भी होती है। हिरोतो रीसा से पूछता है, क्या तुम वाइन पियोगी। रीसा हाँ कहती है। इससे पहले रीसा ने कभी वाइन नहीं पीती, इसलिए जब वो सिर्फ एक गिलास वाइन पीती है तो वहीं सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो जागती है तो खुद को हिरोतो के बेड पर देखती है। वो चौंक जाती है और सोचती है, कल रात मैंने हिरोतो के साथ डिनर किया और वाइन पी, इसके बाद क्या हुआ। इससे आगे रीसा को कुछ भी याद नहीं आता। वो बाहर आती है और हिरोतो को देखती है। हिरोतो उससे कहता है, तुम कल रात रेस्टोरेंट में ही सो गई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना कम ड्रिंक करके बेहोश कैसे हो सकती हो। रीसा बहुत एम्बेस फील करती है ये सोचकर कि वो उस आदमी के सामने ही बेहोश हो गई जिससे वो फर्स्ट टाइम मिली थी। रीसा अजीब तरह से बिहेव करती है और अपना मुंह छुपाती है, जिस पर हिरोतो उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। रीसा उससे सॉरी कहती है अपनी रात वाली हरकत के लिए। हिरोतो कहता है, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा था। फिर हिरोतो उसके लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे कॉफी पसंद नहीं है। देन हिरोतो ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है, पर उसे अपना कुछ सामान नहीं मिलता तो रीसा भी उसकी हेल्प करती है वो ढूंढने में। रीसा को वो मिल जाता है। हिरोतो जल्दी से वो लेने रीसा के पास जाता है, जिससे वो टकरा जाते हैं और रीसा सोफे पर गिर पड़ती है और उसके ऊपर हिरोतो गिर पड़ता है। हिरोतो रीसा को किस करने वाला होता है, पर तभी उसका फोन बजने लगता है, जिस वजह से उसे कॉल रिसीव करना पड़ता है। रीसा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है हिरोतो के बिहेवियर से। फिर हिरोतो रीसा से सॉरी कहता है और उसे बताता है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। वैसे रीसा, हम तो अभी ही मिले हैं ना, पर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। रीसा मन में सोचने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतने अच्छे पर्सन को मुझसे प्यार नहीं हो सकता। जब रीसा कोई आंसर नहीं देती तो हिरोतो उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं भी तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। इस पर रीसा कहती है, अगर मेरे जैसा कोई तुम्हारे लिए ठीक है तो। रीसा के इतना कहते ही हिरोतो उसे हक कर लेता है और कहता है, मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो रीसा, और फिर उसे किस करता है। देन वो रीसा को सोफे पर पुश करता है। रीसा उससे कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं रेडी नहीं हूँ। हिरोतो उसे सॉरी कहता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो उसे रेडी होने की बोलकर चला जाता है। रीसा बहुत खुश होती है कि फाइनली उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल गया। देन वन वीक निकल जाता है और रीसा की हिरोतो से बिल्कुल भी बात नहीं होती। रीसा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड नात्सुकी को बताती है। वो रीसा से कहती है, वो आदमी तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा है। रीसा, तुम किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेती हो।
रीसा कहती है ऐसा नहीं है, तो नात्सुकी कहती है अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसे कॉल कर लो, आखिरकार तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो नात्सुकी के एनकरेज करने पर रीसा हिरोतो को कॉल करती है, हिरोतो कॉल रिसीव करता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी रीसा को किसी फीमेल की आवाज आती है जो हिरोतो को बुला रही होती है। रीसा अपसेट हो जाती है और उसे लगता है कि शायद हिरोतो उसके साथ चीट कर रहा है। वेल, जब रीसा वापस अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में कोई पीछे से आकर उसे हग कर लेता है। बेशक वो कोई और नहीं बल्कि हिरोतो है। हिरोतो उससे सॉरी कहता है क्योंकि वो बहुत टाइम से उसे नहीं मिला और उसने रीसा को बहुत मिस भी किया। देन हिरोतो रीसा को अपने अपार्टमेंट पर लेकर जाता है जहाँ वो रीसा से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, लेकिन तुम्हें अपना बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे फुकामी-सान की जगह मेरे नेम हिरोतो कहकर बुलाओ। रीसा उसे हिरोतो कहकर बुलाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। देन आधी रात को जब रीसा जागती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अब एक गर्ल नहीं है बल्कि अब एक वुमेन है। तभी वो हिरोतो को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। हिरोतो फोन पर किसी से कह रहा था कि अगर मेरी रियल आइडेंटिटी सामने आती है तो ये बात बहुत शॉकिंग होगी। ये सुनकर रीसा सोचती है आखिरकार हिरोतो है कौन। इसके बाद रीसा सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जागती है तो अपने पास हिरोतो को देखती है और वो उससे कहता है तुम सोते हुए बहुत क्यूट लगती हो। ये सुनकर तो लड़की शर्मा ही जाती है। देन हिरोतो उसके लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाता है जो कि रीसा को बहुत पसंद भी आता है। रीसा सोचती है हिरोतो अच्छा पर्सन ही नहीं बल्कि कुकिंग भी अच्छी करता है, वो पूरी तरह परफेक्ट है। हिरोतो कहता है एक दिन मैं भी तुम्हारे हाथ का बना खाना ट्राई करना चाहता हूँ। रीसा कहती है मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रीसा बाहर से तो नॉर्मली बिहेव कर रही थी पर वो मन में सिर्फ हिरोतो की रियल आइडेंटिटी के बारे में ही सोच रही थी, पर वो हिरोतो से उसकी आइडेंटिटी पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ हिरोतो रीसा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इसलिए वो उससे पूछता है यूजली तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जाती हो। रीसा सोचती है अरे ये मेरे फैशन सेंस के बारे में क्यों जानना चाहता है, अब मैं क्या करूं? मैं जिन शॉप्स पर जाती हूँ वो तो नॉर्मल है, ट्रेन स्टेशन के पास वाली। फिर रीसा उससे कहती है मैं तो वहीं जाती हूँ जहाँ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं। इस पर हिरोतो कहता है रीसा मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हिरोतो रीसा को शॉपिंग पर लेकर जाता है और वो उसे नाइसली ट्रीट करता है। रीसा हिरोतो को देखकर सोचती है ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, पर इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। उसी टाइम हिरोतो रीसा से पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। रीसा सोचती है अरे क्या ये मेरा माइंड भी रीड कर सकता है। फिर वो कोशिश करके पूछ ही लेती है कि वो क्या वर्क करता है। हिरोतो कहता है अच्छा तुम मुझे देखकर बताओ कि मैं क्या वर्क करता हूँ। तो बेचारी रीसा हिरोतो को बहुत कुछ बना देती है जैसे पायलट, डॉक्टर, लॉयर। हिरोतो हंसने लगता है और कहता है रीसा तुम प्योर हो, सेंसिटिव हो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी वजह है जिस वजह से मैं तुम्हें लव करता हूँ। शॉपिंग करने के बाद वो वापस घर जाने लगते हैं। रास्ते में वो एक क्यूट फैमिली देखते हैं और वो देखकर रीसा हिरोतो के साथ अपने फ्यूचर की सोचने लगती है। उसी टाइम हिरोतो रीसा को प्रपोज करता है और रिंग पहनाता है। कहता है मुझे पता है ये थोड़ा जल्दी है पर फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई आए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, और लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव हूँ। रीसा बहुत खुश होती है और कहती है इस रिंग को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। हिरोतो उसे अपने साथ ले जाता है। हिरोतो को देखकर रीसा सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर हिरोतो मुझे धोखा भी दे रहा हो तो, या फिर ये सिर्फ एक मूवमेंट हो हैप्पीनेस का। अगर ये ड्रीम है तो मैं जागना नहीं चाहती। रीसा के इतना सोचने के साथ पार्ट 1 यहीं एंड होता है।